बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो दिया क्या है, प्रूव दैट जी 15711 इज अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 12। ठीक है, बस करना क्या है, प्रूव करना है। तो पहले क्या करते हैं, जी सेट दे ही रखा है तो पहले हम कंपोजिशन टेबल बना लेते हैं। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, बस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, एलिमेंट्स कौन कौन से हमारे पास, 15711, यहाँ पे भी 15711, बाइनरी ऑपरेशन क्या दे रखा है, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 12। तो हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे 12 से, लेकिन डिवाइड तभी करेंगे जब तक दोनों का मल्टीप्लिकेशन 12 या 12 से बड़ा ना हो जाए। अगर 12 से छोटा आ रहा है तो नॉर्मली मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। ठीक है, चलो, 1 1 जा 1, 1 5 जा 5, 1 7 जा 7, 1 11 जा 11, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 बचेगा। फिर 5 7 जा 35, 12 से डिवाइड करेंगे 20, 12 टू जा 24, 11 रिमाइंडर बच गया। फिर क्या, 11 फाइव जा 55, 12 फोर जा 48, मतलब 7 रिमाइंडर बच गया। फिर क्या, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 12 2 जा 24, मतलब 11 रिमाइंडर बच गया। 7 7 जा 49, 12 4 जा 48, मतलब 1 बच गया। 11 7 जा 77, 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, तो मतलब क्या, 5 बच गया। अब फिर क्या, 11 1 जा 11, यहाँ पे सिंपली आ गया। 11 5 जा 55, 12 4 जा 48, मतलब 7 बज गया रिमाइंडर। 11 7 जा 77, 72, मतलब 5 बज गया रिमाइंडर। 11 11 मतलब क्या, 121, 12 10 जा 120, मतलब 1 बज गया। तो ये हो गया कंपोजिशन टेबल कंप्लीट। अब बस करना कुछ नहीं है, हमको ग्रुप के सभी चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कराना है। पहला प्रॉपर्टी कौन सा, क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो जैसा अभी तक हमने किया, स्टेटमेंट बोल रहे हैं, आप लिखते रहना। हम क्या बोलेंगे, वी सी दैट ऑल द एंट्रीज इन द कंपोजिशन टेबल आर एलिमेंट्स ऑफ सेट जी। हम क्या देख रहे हैं, इस कंपोजिशन टेबल के अंदर जितनी भी एंट्री आई है, ये देखो, किसी भी रो को देख लो, किसी भी कॉलम को देख लो, जो भी आया है वो जी के अंदर से ही आया है। तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर जी इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 12, क्लोजर प्रॉपर्टी हो गया। फिर दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो हम क्या बोलेंगे, वी नो दैट कंपोजिशन टेबल आर ऑल्सो कंपोजिशन टेबल आर ऑलवेज एसोसिएटिव, देयरफॉर जी इज एसोसिएटिव विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 12। ये हो गया। फिर क्या तीसरी बात आती है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के बारे में। तो आइडेंटिटी एलिमेंट हमको फाइंड करना है, तो हम क्या बोलेंगे, वी हैव वन बिलोंग्स टू जी, हमारे पास एक एलिमेंट है जी वन, जो क्या जी सेट के अंदर से आता है। एंड क्या करते हैं, मान लेते हैं, लेट एक एलिमेंट है ए, जो भी क्या जी के अंदर से ही आता है, सच दैट अगर हम 1 इंटू ए मॉडुलो 12 निकालते हैं तो हमको ए ही मिलता है, या हम ए इंटू वन मॉडुलो 12 निकालते हैं तो यहाँ से भी हमको ए ही मिलता है। तो उस सिचुएशन में हम क्या बोलेंगे, वन क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट, तो हम क्या बोल देंगे, देयरफॉर वन इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। फिर क्या बचता है, इनवर्स बचते हैं, हर एलिमेंट अपने इनवर्स के साथ भी होना चाहिए। चलो, तो हम क्या बोलेंगे, फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल, ये लाइन लिख देना, फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल वी सी दैट इनवर्सेस ऑफ 1 5 7 11 आर डॉट 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 रिस्पेक्टिवली। अभी हमको निकालना पड़ेगा। तो वन क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट खुद का इनवर्स होता है, तो वन का इनवर्स क्या हो गया, वन। अब फाइव का इनवर्स निकालते हैं, तो फाइव के कॉलम में देखो कहाँ पे वन आया है, कहीं पे वन नहीं आया, तो मतलब क्या, कुछ तो छूट गया है, वन तो आना चाहिए था, क्योंकि वन नहीं आएगा तो मतलब कहीं पे मिस्टेक हो गया है। ठीक है, तो देखते हैं फाइव के कॉलम में, तो 1 5 जा 5, 5 5 जा 25, 24, यहाँ पे वन आएगा ना, 5 5 जा 25, 12 से डिवाइड किया, 12 2 जा 24, वन आएगा। चलो कोई बात नहीं, वो तो हो जाता है मल्टीप्लिकेशन में, लेकिन यहाँ पे वन आ गया। चलो ये बात हो गया, तो हम क्या बोलेंगे, फाइव का इनवर्स क्या है, यहाँ पे देखो ये वाला एलिमेंट कैसे आया है, जब 5 और 5 मल्टीप्लाई में गया, करने का मतलब 5 इंटू 5 मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 12 निकाला, तो 24 डिवाइड बाई 12, रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा, तो 5 का इनवर्स 5 हो गया। 7 के बारे में बात करते, तो 7 के कॉलम में कहाँ पे 1 आया है, यहाँ पे 1 आया है। ये एलिमेंट कैसे आया है, जब ये और ये मल्टीप्लीकेशन में गया, तो 7 का इनवर्स 7 हो गया, 7 7 जा 49, 12 4 जा 48, मतलब 1 रिमाइंडर बचा, तो ये हो गया। अब 11 की बात करते हैं, तो 11 के कॉलम में 1 यहाँ पे आया,
ये वाला एलिमेंट इसके इसके मल्टीप्लिकेशन से आया, तो 11 का इनवर्स इनवर्स हो गया, ठीक है। तो 1 का इनवर्स 1, 5 का 5, 7 का 7, 11 का 11 रिस्पेक्टिवली हो गया, ठीक है। मतलब हर एलिमेंट अपने इनवर्स के साथ भी एग्जिस्ट करते हैं, तो हम क्या बोलेंगे लास्ट में, हैंस जी इज अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 12, ठीक है, प्रूव हो गया। इसको नोट करो।